नमस्कार, मैं हूं विजया और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। कभी सॉफ्ट धुन, कभी वेस्टर्न तड़का, कभी बेहद संजीदा धुनें, ये खासियतें थीं आर डी बर्मन के धुनों की। अपनी धुनों से सभी को दीवाना बनाने वाले आर डी बर्मन आज बॉलीवुड में एक ऐसा ओहदा रखते हैं जिसकी मिसाल है। आर डी बर्मन ने बॉलीवुड को संगीत का वो तोहफा दिया है जिसकी बराबरी कोई नहीं कर पाया। उनका पूरा नाम राहुल देव बर्मन था और वो म्यूजिक कंपोजर सचिन देव बर्मन के इकलौते बेटे थे। आर डी बर्मन यानी पंचम दा ने अपने करियर में लगभग 300 से भी ज़्यादा फिल्मों में संगीत दिया था। उन्होंने फिल्म प्यासा, चलती का नाम गाड़ी, कागज़ के फूल, बंदगी, जिद्दी, गाइड जैसी कई फिल्मों में गाने दिए और सुपर डुपर हिट रहे ये सारे सॉन्ग। आइए आपको बताते हैं उनके कुछ यादगार संगीत। विनोद चोपड़ा की 1942 अ लव स्टोरी के सभी गाने सुपर डुपर हिट हुए, खासतौर पर गाना एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। एक और बेहतरीन सॉन्ग मुसाफिर हूँ यारो, जो यूं ही गुनगुनाने को दिल करता है। जिंदगी के फलसफे को बड़ी खूबसूरती के साथ गीतों में पिरोया और संगीतबद्ध किया, ये गाना हमेशा याद किया जाता रहा है। ये आर डी बर्मन का बेहतरीन संगीत है। सर जो तेरा चकराए पंचमदा का एक बेहतरीन गाना ये भी है जो हर दिल अजीज है। सचमुच ये गाना बहुत फ्रेश है, इसे जब भी सुने आप एक अलग ही ताजगी महसूस करते हैं। फिल्म प्यासा का ये गाना भी पंचम दा ने ही तैयार किया था, जिसे उनके पिता एस डी बर्मन ने फिल्म प्यासा में लिया। इजाजत फिल्म का ये गाना मेरा कुछ सामान बेहतरीन गीतों में से एक है। गुलजार के बोलों को अपने संगीत से सजाया था आर डी बर्मन ने, ये गाना सुपर डुपर हिट रहा। चिंगारी कोई भड़के एक बेहतरीन गाना है पंचम दा का। इसमें राजेश खन्ना के एक्सप्रेशंस, किशोर कुमार की आवाज और आर डी बर्मन का संगीत सुपर डुपर हिट रहा। क्यूट सॉन्ग बड़े अच्छे लगते हैं, वाकई आज भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो वहीं रोज रोज आंखों तले तुम आ गए हो, नूर आ गया है बेहतरीन गानों में से एक है। ओ मेरे दिल के चैन एक और खूबसूरत सॉन्ग आर डी बर्मन के नाम रहा। इसके अलावा ये जो मोहब्बत है जैसे और भी कई गाने आज भी गुनगुनाने का मन करता है, और आज भी इन गानों के जरिए हम याद करते रहते हैं पंचम दा को। इसके अलावा बेहतरीन सॉन्ग है दम मारो दम, ये सॉन्ग आज भी झूमने पर मजबूर करता है। पंचम दा हमेशा ही इन गानों के जरिए हमें याद आते ही रहेंगे।